second class. Today we will do 4.5 maths. इसमें आपको numbers दिए गए हैं plus करने के और कुछ minus करने के, mix हैं. वैसे तो बहुत simple भी हैं, आपने ये first में भी किए हैं. ये ऊपर numbers लिखे हैं 216 plus 22. ऐसे अगर आपको लिखा हुआ मिलता है तो आपको फिर करना क्या है, वंस टेंस हंड्रेड इस तरह से लिखना है. फिर ये 216 में 6 वंस के नीचे, 1 टेंस के नीचे और 2 हंड्रेड के नीचे लिखना है. फिर 22 में भी ऐसे वंस के नीचे 2 और फिर दूसरे वाला जो ये नंबर है ये टेंस के नीचे लिखना है. और फिर ने प्लस करना है, 6 में 2 प्लस करेंगे फिंगर्स पे काउंट करके 8 आएगा. 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा और 2 के नीचे और कुछ नहीं है तो 2 का 2 ही आएगा. ये सभी सम्स इसी तरह से किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए. 133 प्लस 6 लिखा है तो आपने कैसे यहाँ लिखना है, बस 1 10 100 और 133 और नीचे यहाँ 6 लिखना है, यहाँ 6 नहीं लिखना, यहाँ भी नहीं लिखना. 6 वंस का है ना, एक ही 6 है तो वंस के नीचे आएगा. अगर दो अंक होते जैसे 22 था तो एक यहाँ पर आ गया था वंस के नीचे और एक टेंस के नीचे आ गया था. ऐसे ही देखिए इस क्वेश्चन में है, इसमें है 35 है तो हमने क्या किया, इसमें 35 में 5 यहाँ लिख दिया वंस के नीचे लिखा जाएगा और 3 टेंस के नीचे लिखा जाएगा. अगर एक और नंबर होता तो वो यहाँ लिखते हम, अगर यहाँ भी होता. पीछे से स्टार्ट करना है, ठीक है, वंस टेंस, ठीक है. और इस तरह से ये प्लस के साइंस हैं, 0 में 7 प्लस किया 7, 0 में 9 प्लस किया 9, 5 का 5, ठीक है. और ये माइनस के साइंस हैं, ये 587 में से 35 माइनस किया है, 7 माइनस 5 2, 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा और 5 में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है. ये भी माइनस का सम है, ये आपको आते हैं करने तो करिएगा इनको. और नीचे जो व्हील वाला क्वेश्चन दिया गया है ये मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है. इसमें देखिए आप ऑब्जर्व करो, यहाँ से 2 से ऑब्जर्व करना शुरू करो. सबसे छोटा नंबर ले लो, 2, 2 के बाद 5 है, यानी कि 3 और 4 छोड़ दिया, दो छोड़े मतलब कि 3 का जंप हो गया. एक जंप तो लगाते ही हैं नेक्स्ट नंबर में, लेकिन यहाँ 3 का जंप हो गया. 5 के बाद फिर 6, 7 दो का जंप, ऐसे ही 8 के बाद 2 का जंप लगा दो, 5 के बाद 6 और 7 नहीं है ना, 8 है, तो 8 के बाद 9 और 10 छोड़ दो तो यहाँ 11 आएगा, दो जंप हो गए. 11 के बाद 12 और 13 छोड़ दिया 14 आ गया, 14 के बाद 15 और 16 छोड़ दिया 17 आ गया, ठीक है. इस तरह से ये करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, 0 से देखो, 0 में कितने ऐड किए, 4 ऐड किए तो 4 आ गया, 4 में 4 ऐड किए तो 8 आ गया, 8 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 12 आएगा, 12 लिखेंगे, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20, और इस तरह से ये पूरा चक्कर पूरा हो जाएगा. और नेक्स्ट पेज है आपका, इनमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 851 टॉयज इन द फर्स्ट वीक एंड 636 टॉयज इन सेकेंड वीक. एक फैक्ट्री है जो पहले वीक में 851 टॉयज खिलौने बनाती है और सेकेंड वीक में 636 टॉयज बनाती है. हाउ मेनी टॉयज डिड इट प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट वीक देन द सेकेंड वीक. तो फर्स्ट वीक में कितने ज़्यादा प्रोड्यूस करे हैं ये बताना है. तो इसमें ये पूछा गया है कि फर्स्ट वीक में कितने ज़्यादा टॉयज बनाए थे. फर्स्ट वीक में 851 बनाए थे, सेकंड वीक में 636 बनाए, तो 851 ज़्यादा हुए. इसने पूछा कितने ज़्यादा बनाए थे सेकंड वीक से उसने, तो हमने इसमें माइनस किया है तो यहाँ 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 1 ने यहाँ 5 से 1 कैरी कर लिया, सॉरी बोरो कर लिया है, तो यहाँ 11 बन गया. और 5 ने जब इसे 1 को 1 दे दिया तो इसके पास कितना रह गया, 4 रह गया. तो अब हम क्या करेंगे, 11 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ 5 आएगा, राइट. और 4 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि 5 तो ख़त्म हो गया, 5 में से तो एक इधर चला गया,
तो फोर ही रह गए, फोर में से थ्री माइनस किया वन और एट में से सिक्स माइनस किया टू। सेकेंड बी प्रॉब्लम है, ऑन अ रेनी डे 73 चिल्ड्रन डिड नॉट कम टू स्कूल। रेनी डे था, 73 चिल्ड्रन स्कूल नहीं आए। इफ़ देयर आर 360 चिल्ड्रन इन द स्कूल, हाउ मैनी चिल्ड्रन केम टू स्कूल। अगर पूरे स्कूल में 386 चिल्ड्रन हैं सॉरी, तो ये बताओ कि कितने बच्चे स्कूल आए। टोटल इतने थे 386, 73 आए ही नहीं, तो कितने आए, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 386, रेन के कारण जो नहीं आए 73, तो आए कितने, इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ 6 में से 3 माइनस किया 3, 8 में से 7 माइनस किया 1 और 3 का, सॉरी यहाँ 3 का 3 आना था, यहाँ 3 आएगा। ये 3 का 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन। ए फ्रूट सेलर सोल्ड 495 पपायास एंड 301 पीचेस ऑन अ डे। एक फ्रूट सेलर ने 495 पपायास और 301 पीचेस यानी आड़ू बेचे। उसने पूछा हाउ मैनी फ्रूट्स डिड ही सेल इन ऑल, सारे फ्रूट्स कितने बेच दिए उसने। तो इसमें हम प्लस करेंगे। प्लस क्यों किया, क्योंकि इतने उसने पपायास बेचे और इतने पीचेस बेचे। उसने कहा, पूछा है कि टोटल कितने बिके हैं, तो दोनों को प्लस कर देंगे। 516, 9 का 9, 437। डी क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट टेस्ट मैच सचिन स्कोर 101 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग एंड 126 रन्स इन द सेकंड इनिंग, हाउ मेनी रन्स डेड ही स्कोर इन टू इनिंग्स। जब ऐसे पूछा जाता है ना, दोनों इनिंग्स में कितना है, तो प्लस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में 111 थे, सेकंड इनिंग में 126 थे, तो दोनों को प्लस कर दिया। 617, 213 एंड 112। लास्ट वन क्वेश्चन है, ई इन अ जंगल 397 बर्ड्स एंड 125 टाइगर्स डाई ड्यू टू अ मैसिव फायर। एक जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई, जिससे कि जंगल में 397 जो बर्ड्स थे वो और 125 टाइगर्स मर गए। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड इन ऑल, जब इन ऑल पूछते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना। तो अब इनको 397 प्लस 125, 75, 12, 12 का 2 आ गया और 1 कैरी कर दिया। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 का 2 और 1 कैरी कर दिया। फिर 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये 522 एनिमल्स टोटल हो गए जो मैसिव फायर के कारण मर गई, है ना। तो ये आपको एक्सरसाइज करनी है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ओके, हैव ए नाइस डे, लव यू।